नेपोटिज्म यानी परिवारवाद अगर सरल भाषा में समझे तो बिल्कुल ही रिजर्वेशन की तरह है, जहाँ किसी भी व्यक्ति को उसके टैलेंट के ऊपर ना परख कर उसके फैमिली के अकॉर्डिंग मौका दिया जाता है। नेपोटिज्म के गॉडफादर कहे जाने वाले करण जौहर आजकल लोगों का टारगेट बने हुए हैं और लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। हाल ही में करण जौहर ने मामी से भी रिजाइन दे दिया। शुरू से ही करण जौहर पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो सिर्फ स्टार किड्स को ही अपनी फिल्म में मौका देते हैं और उन्हीं को लॉन्च करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब किसी व्यक्ति ने उनसे इसी मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ सीधा ये कह दिया कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, मैं किसी को भी लॉन्च कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे फूफा का बेटा हो या मेरे चाचा का भतीजा। खैर, बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे भी हैं जिनमें भरपूर टैलेंट होने के बावजूद उनके टैलेंट को सराहा नहीं जाता, चाहे वो प्राची देसाई हो, आयुष्मान खुराना, विवेक ओबेरॉय, सुशांत सिंह राजपूत, और लिस्ट अभी काफ़ी लंबी है। स्टूडेंट ऑफ द टू ईयर मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस पे महज सिर्फ 98 करोड़ कमाए, उस मूवी के लिए अनन्या पांडे को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिल जाता है। लेकिन मणिकर्णिका मूवी जिसने लोगों के बीच काफ़ी सुर्खियां बटोरी और लोगों ने उस मूवी को काफ़ी पसंद भी किया, उस मूवी के लिए अंकिता लोखांडे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग का दमखम वहां पे भी साबित कर दिया, उनको कोई अवार्ड नहीं दिया जाता। जिससे ये साफ साबित होता है कि बॉलीवुड में सिर्फ स्टार किड्स को ही सराहा जाता है, आउटसाइडर्स को नहीं। इसी मुद्दे पे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो आजकल काफ़ी फेमस हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई, जिनमें आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स का भी नाम शुमार है। इसी वजह से आमिर खान कोई भी अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं करते। अक्षय कुमार ने कई सालों पहले इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ भी उठाई थी। कई स्टार्स इस मुद्दे पर अपने ओपिनियंस शेयर करते रहते हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, अक्षय कुमार या ऐसे ही कई नए एक्टर्स या आउटसाइडर्स। अवार्ड्स बेस्ट को मिलने चाहिए, स्टार किड्स होने या पैसों के दमखम पर नहीं। अब बॉलीवुड में वक्त आ गया है कि वो स्टार किड्स को ना सराहते हुए रियल टैलेंट को सराहे, चाहे वो स्टार किड्स हों या आउटसाइडर। और ऐसे ही कई नए मुद्दे और टॉपिक्स पर बात करने के लिए देखते रहें मेरे यानी कनिका अग्रवाल के साथ दिल्ली 99 टीवी।